किचन डिजायर में आप सबका स्वागत है। आज हम दो तरह के मग केक बनाएंगे। पहला बनाएंगे हम वनीला एप्पल मग केक और दूसरा बनाएंगे चॉकलेट मग केक। इसे बनने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं वनीला एप्पल मग केक। इसके लिए हमें चाहिए माइक्रोवेव सेफ मग। इसमें हम 4 टेबलस्पून मैदा डालेंगे और 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर, इसके साथ ही 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर डालेंगे। और 2 टेबलस्पून हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। इसमें हम 1 चम्मच कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच ग्रेटेड एप्पल डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और चुटकी भर बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे और थोड़े से इसमें हम चॉको चिप्स डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गार्निश के लिए हम इसमें थोड़े से चॉको चिप्स ऊपर से डाल देंगे ताकि जब ये राइज होगा तो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ये अब हम इस मग को माइक्रोवेव में रखेंगे और इसे हम हाई टेम्परेचर पे 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। हर माइक्रोवेव का अलग हाई टेम्परेचर होता है तो आपको उसी के हिसाब से इसमें टाइम सेट करना पड़ेगा। अब हम चॉकलेट मग केक तैयार करते हैं। इसके लिए भी मैंने माइक्रोवेव सेफ मग लिया है। इसमें हम 4 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। चार टेबलस्पून पाउडर शुगर, 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, 2 टेबलस्पून हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा वनीला एसेंस इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर देंगे इसमें हम और चॉको चिप्स ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे भी हम 1.5 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। दोनों ही मग केक तैयार हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से राइज हुए हैं। अब हम चॉकलेट मग केक के ऊपर पाउडर शुगर से डस्ट कर देंगे और वनीला एप्पल मग केक के ऊपर हम हर्शीज चॉकलेट सिरप डाल देंगे। लीजिए तैयार है हमारे इंस्टेंट मग केक। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।